स्वच्छ भारत कमेटी जेएमसी के चेयरमैन हरदेव सिंह मनकोटिया ने गार्बेज डंपिंग यार्ड कोट बलबाल का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने में कूड़े का विस्तारीकरण करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट अपना काम करेगा। ये हमारा जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लैंड अक्वायर की हुई है, ये जो हमारा जो सैनिटेशन का जो जितना भी गार्बेज निकलता है ये कोट बलवाल में कलेक्ट होता है, तो वो दिन ब दिन डस्ट डंप एक गंद के ढेर बनते जा रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में हमने क्या नाम है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्रीटमेंट प्लांट का भी शुरुआत कर दी है और इसको चार तरफ से जितनी भी लैंड है उसको हमने बाउंड्री वॉल करवा दी है और जल्दी ही कोई 6 महीने के अंदर हमारा पूरा सेटअप जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप लग जाएगा और जितना भी जो गार्बेज हमारा आएगा 2 साल में जितने भी डंप लगे हुए हैं सारे क्लियर करने का हमारा टारगेट है और उसके बाद जो भी रूटीन में आएगा तो वो उसी दिन उसकी सेग्रीगेशन होके ट्रीटमेंट होके तो उसका डिस्पोज ऑफ हो जाया करेगा। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे दौरा रखा था तो जहाँ पे देखा कि एक आने जाने की रास्ते की भी समस्या है और जहाँ पे जो मुलाजिम हैं उनके भी थोड़ी बैठने की और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पानी की भी समस्या है तो उसी के मद्देनज़र किस ढंग से इसको और अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और जो लोगों के भी अडजस्टमेंट थी तो हमारी कोशिश है कि जहाँ के लोकल लोगों से भी मिलेंगे और उनको भी हम दिखाएंगे कि जिस ढंग से जब 6 महीने में ये हमारा प्लांट शुरू हो जाएगा तो भगवती नगर अब हमारा टोटली क्लियर हो चुका है, बिल्कुल उसमें एक भी क्या नाम टन जो है कूड़ा नहीं बचा है और बिल्कुल ग्राउंड की लास्ट पहली वाली पोजीशन पे आ गया और वो हमें ग्रीन स्ट्रिप भी डेवलप करके दे रहे हैं तो हम इन सब लोगों को भी उधर ले जाएंगे, जगह दिखाएंगे कि आने वाले 2 साल में आपका एरिया भी आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी और जहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भी हमारे जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होने वाले हैं और जहाँ के लोगों को भी बेनिफिट होगा तो उसी के मद्देनज़र हम ये अपना एक विजिट रखा था तो जो जो भी जहाँ पे कमियाँ होगी वो अपने मेयर साहब और कमिश्नर तक पहुँचाएँगे तो उस पर काम होगा। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.